अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर ड्रेस बाय मारिया बी, और ये बड़ा खूबसूरत कलर का ड्रेस है, पिंक कलर। से कोड है 10B, तो लेट्स सी व्हाट्स इन इट। और अच्छा जी, ये जो है नेट का इसका दुपट्टा है। अच्छा जी, ये इसका बड़ा खूबसूरत सा जो है बेबी पिंक कलर का ड्रेस है, और वोवन फैब्रिक का वोवन फैब्रिक है। और ये जो है फ्रंट बैक स्लीव्स का एक साथ ही एक ही पीस दिया हुआ है, और प्रिंट है इसके अंदर, थोड़ा सा गोल्ड टच भी है। कलर मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बॉर्डर्स, ये इसके एम्ब्रॉयडर्ड दामन का बॉर्डर है। यस, ये जो ये वाला बॉर्डर है ये अप्लीक होगा इस तरह से। अच्छा जी, ये इसके दो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स हैं दामन के। एक ये बॉर्डर है जो कि यहाँ से कटवर्क होगा और ऑर्गेंजा पे बना हुआ है, और फिर इसके ऊपर जो है हैंगिंग पर्ल्स वगैरह लगेंगे। और फिर एक और बॉर्डर है जो ये डॉट्स वाला नेट पर, और इसका जो है ये दामन कटवर्क होगा। फिर हैंगिंग स्टफ जो एम्बेलिशमेंट्स होंगी वो तो इसमें इंक्लूड नहीं। अच्छा, इस तरह के दो बॉर्डर्स दिए हैं, एक ये ऑर्गेंजा में सेम बॉर्डर, सेम एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर जो यहाँ दामन पे लगा हुआ है, और एक जो है नेट पर है। बट इस पे मेंशन किया हुआ है कि एक स्लीव बॉर्डर है, एक जो है वो दामन का बॉर्डर है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वाला स्लीव्स पे लगाएं, क्योंकि सेम बॉर्डर हैं, सेम डॉट्स हैं, और सेम बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये जो फैब्रिक है जो मैंने पहले दिखाया, वोवन फैब्रिक जो है, यही वाले में स्लीव्स हैं। कंप्लीट सूट, कंप्लीट शर्ट का फैब्रिक जो है यही है। अच्छा, इसके बाद इसकी गला पट्टी है, ये इसमें हैंडवर्क है, उन्होंने तो इसमें कॉलर बनाया हुआ है जिसमें थोड़ा सा रिक्वायर्ड है ये पट्टी। बट अगर आप चाहें तो इसको ओवरलैप भी बना सकते हैं, और डिफरेंट स्टाइल भी हो सकता है, वी भी बन सकता है, एज यू लाइक। अच्छा, इसके बाद इसका एम्ब्रॉयडर्ड नेट का दुपट्टा है, और मुझे वैसे लाइट कलर्स कम पसंद आते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आते, मतलब डिपेंड ऑन कि किस तरह का लाइट कलर है। ये इसका नेट का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है पूरा। ओवरऑल इसमें बूटियां हैं, और लॉन्ग साइड्स जो हैं इसकी, इसके ऊपर ये बॉर्डर बना हुआ है, कटवर्क होगा ये सारा। एप्लिक का बहुत सारा काम है इसमें, और मारिया बी के सारे सूट्स में ही एप्लिक का बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, इसकी पल्लू साइड पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इसकी पल्लू साइड पर ये ऑर्गेंजा और उसके साथ फिर टेसल्स हैं। टेसल्स नहीं है, फैब्रिक के कुछ हैंगिंग स्टफ बना हुआ है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑर्गेंजा इसका सेम कलर का डाई होगा, ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं है। और फिर ये जो है इसके जो बॉर्डर की एजिंग है, ये सब कटवर्क होगा, और फिर इसके ऊपर ड्रॉप्स लगेंगे। तो अच्छा खासा फॉर्मल ड्रेस बन जाता है, और वैसे भी जाहिर ये नेट का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है इसके साथ, तो ये कैजुअल ड्रेस तो नहीं है। इसका अर्ज काफ़ी बड़ा है दुपट्टे का, और लेंथ भी जब इसमें ऑर्गेंजा लगेगा तो वो फिर ज़्यादा ही लेंथ हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसका सेल्फ प्रिंट का कॉटन ट्राउज़र है, और इसके ऊपर, इसके ट्राउज़र के ऊपर बहुत सारी ही लेसेस लगी हुई हैं क्रोशिया की, और कुछ ऑर्गेंजा का डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं, इसके पैंट पर खासी मेहनत होनी है। इसमें काफ़ी तरह के डिज़ाइंस बने हुए, इसमें प्लीट्स हैं, पिंटेक्स हैं, फिर ऑर्गेंजा का भी डिज़ाइन है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं है। और फिर इसके एंड पर जो है, एज पर लेस है, वो भी इंक्लूड नहीं है। तो पैंट का कुछ भी इंक्लूड नहीं है इस ड्रेस में, सिर्फ दो पैचेस दामन के, और गला पट्टी और स्लीव्स का बॉर्डर है, दैट्स इट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी ही लगी। एंड जो लोग ऑलरेडी फीडबैक देते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।